जो कड्डा से जलते हो। तुम्हें निंटेंडो स्विच में पोकेमोन गेम खेलने का मन करता है, पर मेरी तरह तुम्हारे पास निंटेंडो स्विच नहीं है। सैड सॉन्ग बजाना। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम निंटेंडो स्विच को किसी और से चुराओ या कोई दूसरी क्रेजी गेम खेलो यार। तो अगर आपने ऑप्शन टू चुना, वाह सही जवाब, ये लोग केले खाओ फ्रूट वाले। वार्निंग, ये कोई टॉप 10 रैंकिंग वीडियो नहीं है। तो आज हम कुछ क्रेजी पोकेमोन रोम हैक्स गेम के बारे में बात करने वाले, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, पोकेमोन सोर्स। इस गेम की खुद की एक कस्टम स्टोरी है जो कि काफी यूनिक है। इस गेम में तुम एशर नाम का लड़का बनकर खेलते हो एंड तुम्हारे पेरेंट्स इस गेम में इविल है, लाइक टीम रॉकेट। इस इविल ग्रुप का नाम है टीम एक्लिप्स। वो ताकतवर पोकेमोन्स को पकड़ते हैं। तुम ठहरे इस गेम के मेन प्रोटागनिस्ट। भाई तुम ऐसा होते हुए तो देख नहीं सकते, ठीक है ना? तो तुम्हें उस इविल टीम को रोकना होगा, मतलब समझ रहे हो ना तुम्हें क्या करना होगा। समझदार हो यार तुम। इसका आर्ट स्टाइल भी काफी बढ़िया है। इसमें जनरेशन 7 तक के पोकेमोन हैं। इस गेम में एक सोरिंग फीचर भी है, मतलब तुम उड़कर कहीं भी जा सकते हो। भाई देख रहे हो, जीबीए गेम तो लग भी नहीं रही है, कोई भी उल्लू बन जाए भाई। नाउ फ्रिक स्कारलेट वायलेट एंड प्ले दिस गेम। सॉरी भालू कड्डा। नंबर 9, पोकेमोन फ्यूज डायमेंशन। इसके नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि इसमें पोकेमोन फ्यूजन हमें देखने को मिलने वाला है। भाई दो लोगों का फ्यूजन देखने में कितना मजा आता है। भाई तुम खुद देखो इसमें कितने कूल कूल फ्यूज पोकेमोन से, मतलब अगर इफ यू आर अ फ्यूजन लवर यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस गेम। सिर्फ फ्यूजन ही नहीं भाई, इसमें मेगा एवोल्यूशन भी है एंड ऑल्सो मोर क्रेजी थिंग्स। पर देखा जाए तो इस गेम में कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। अगर इसमें बैक स्टोरी होती तो शायद ये गेम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन सकता था। लाइक ये फ्यूजन पोकेमोन में कहां से आया, कैसे हुआ, क्या, मतलब थोड़ा कुछ भी नहीं है भाई। और इस गेम में शाइनी पोकेमोन्स भी आपको एनकाउंटर होंगे भाई। तो भाई बहुत अच्छी गेम है उनके लिए जिनको सिर्फ पोकेमोन के अलग अलग रूप देखने हैं, लाइक डिफरेंट फ्यूज्ड पोकेमोन्स। नंबर 8, पोकेमोन रेडिकल रेड। इस गेम में पोकेमोन फायर रेड की स्टोरी सेम ही रहती है, बट न्यू इवेंट्स आर एडेड। उन्होंने म्यूटू जियो आने वाला इवेंट ऐड किया है इसमें। काफी लोग इस गेम को खेलना पसंद करते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट है, मतलब इतनी ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुम फ्रस्ट्रेशन से अपना मॉनिटर ही तोड़ दोगे, बट स्टिल दिस गेम इज नॉट इजी। तो अगर तुम पढ़ाई से अपनी जिंदगी में बोर हो चुके हो तो इस गेम का हार्ड कोर मोड खेलना, और हाँ फेल मत हो जाना एग्जाम में। ऑलमोस्ट इसमें जनरेशन 1 से 8 तक के पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे। इसका नॉर्मल मोड ऑलरेडी हार्ड है, लेकिन जिंदगी में अगर तुम्हें मजे चाहिए तो फिर हार्डकोर मोड खेलो, जाओ मैंने थोड़ी रोका है। नंबर 7, पोकेमोन जीएस क्रॉनिकल्स। ये पोकेमोन गोल्ड एंड सिल्वर का रीमेक है। इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है जोटो गेम से, मतलब मेन प्लॉट सेम है लेकिन कुछ न्यू सीन्स ऐड किए गए हैं। इस गेम में जनरेशन 1 से जनरेशन 4 तक के पोकेमोन आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ डायलॉग्स भी इसमें ऐड किए गए हैं जो कि नॉर्मल जोटो गेम में नहीं थे। खास बात यह है कि इसमें मेगा एवोल्यूशन है और उसके अलावा डायनामैक्स और जाइगेंटामैक्स भी है। सोचो कितना मजा आएगा भाई खेलने में। रेगुलर गोल्ड सिल्वर गेम की तरह इसमें डे नाइट साइकिल भी है। स्टार्टर्स पोकेमोन के नए मेगा एवोल्यूशंस हैं। इसके अलावा भाई देखने में कितना सही लग रहा है ये गेम, मन कर रहा है अभी खेल लूं भाई। नंबर 6, पोकेमोन स्टॉर्म सिल्वर। ये काफी बूढ़ा ओल्ड रोम हैक है। जनरेशन 4 तक के पोकेमोन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें कुछ इवेंट्स ऐड किए गए हैं जिसमें गिराटिना, डियाल्गा, पालके जैसे पोकेमोन आप पकड़ सकते हो, और उसके अलावा भाई और भी बहुत सारे लेजेंडरी एंड मेथिकल पोकेमोन। इन सभी पोकेमोन्स को पकड़ने के अलग अलग प्रोसीजर है। सपोज तुम्हें आरसीएस पकड़ना है तो सबसे पहले तो तुम्हें कुछ प्लेट्स इकट्ठा करनी होगी और तुम्हें सारे पोकेमोन्स को पकड़ना होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि सारे पोकेमोन्स मतलब गेम के सारे या फिर सारे लेजेंडरी एंड मिथिकल्स पोकेमोन। भाई तुम्हें पता है तो कमेंट्स में बताना भाई, बट मजा तो आएगा ना। अगर तुम्हें हार्ड गोल्ड सोल सिल्वर का बेस्ट वर्जन खेलना है ना भाई, तो इसको खेलो यार। नंबर 5, पोकेमोन फ्यूजन 3। भाई इसमें पोकेमोन के डिजाइन देखो तुम, ये कायगुरे को देखो, ग्राउडॉन को देखो, बहुत एफर्ट्स डालोगे भाई इनको बनाने में, मजाक नहीं। हाँ बिडूफ थोड़ा टट्टी लग रहा है। भाई इसमें रेक्वाजा को देखो यार, गिराटिना के साथ फ्यूज होकर कितना मस्त लग रहा है भाई ये। इन सभी फ्यूज्ड पोकेमोन के अपने अपने इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस भी है। तो हाँ भाई अगर तुम्हें भाई कुछ नए नए पोकेमोन देखने, मतलब एकदम ही अलग पोकेमोन जिसको तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये दो पोकेमोन मिलकर ऐसे दिख सकते हैं, देन डेफिनेटली ट्राई दिस गेम भाई। मैंने पहले ही बोला था भाई फ्यूजन बहुत मस्त चीज होती है।
नंबर 4, पोकेमोन ब्लेज ब्लैक 2 रिडक्स। इसमें काफी गेम मोड्स हैं, 3 वर्सेस 3 बैटलिंग भी कर सकते हो इसमें। भाई 3v3 बैटल करने में कितना मजा आएगा। इस गेम में इवेंट्स काफी तगड़े हैं, बहुत ही अच्छी जनरेशन 5 गेम है ये, तुम्हें खेलकर ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी गेम है ये। हाँ, मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं इसके बारे में। हाँ। नंबर 3, पोकेमोन एडवेंचर्स रेड चैप्टर, वन ऑफ माई फेवरेट गेम। भाई मेरे लिए तो ये गोट गेम है। मेरी जिंदगी में एक टाइम था जब मैं पोकेमोन के ऑफिशियल्स गेम खेल कर पक गया था, क्योंकि भाई वही सेम स्टोरी, वही सेम चीज बार बार कर मैं सही में पक गया था। फिर मेरी जिंदगी में एंट्री होती है इस गेम की। भाई ये ऐसा पहला रोम हैक था जो मैंने खेला था और मेरी जिंदगी बदल गई भाई इस गेम को खेलकर। मैं भाई कोई जीबीए गेम इतना अच्छा हो सकता है, मुझे इसको खेलने के बाद ही पता चला। इसका गेम प्ले भी मैंने अपने चैनल पर किया था भाई। हाँ, पूरा नहीं किया वो गेम आज तक मैंने। हम इसमें रेड बनकर खेलते हैं और भाई क्या स्टोरी है इसकी, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, बेस्ट स्टोरी है भाई इसकी। इसकी स्टोरी काफी डार्क है भाई, इसमें हमें काफी ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। जैसे एल्टिस हर्ज एक मर्डरर है, एल्टी सर्च एक बुरा आदमी है। इस गेम में वायलेंस भी है भाई काफी ज्यादा, जो कि नॉर्मल पोकेमोन गेम में हमें देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल गेम्स में घंटा कुछ खास नहीं, हिला हिला कर थक गया हूं मैं। व्हाट? नंबर 2, टीम रॉकेट एडिशन। भाई इस गेम में तुम एक इविल कैरेक्टर बनकर खेलते हो लाइक टीम रॉकेट, एंड दूसरों के पोकेमोन्स को चुराओगे। भाई चोर बनना है चोर इसमें। भाई सोचो कितना यूनिक है ये गेम। लाइक इन द नॉर्मल पोकेमोन गेम वी बिकम अ हीरो, बट इसमें तुम एक भाई बुरे आदमी बन रहे हो। भाई मेरे हाथ में तो खुजली हो रही है पोकेमोन चुराने के लिए, मजाक नहीं कर। तुम्हारे ज्यादातर पोकेमोन इस गेम में टट्टी होंगे, बट तुम इस गेम में प्रोग्रेस कर सकते हो। लाइक पहले तुम एक नॉर्मल मेंबर रहोगे, देन एडमिन, देन एग्जीक्यूटिव, एंड शायद तुम बॉस भी बन सकते हो। इसमें तुम रेड से भी मिलोगे, जो कि टीम रॉकेट को पेलना चाहता है भाई हर बार की तरह, और हर बार की तरह तुम रेड से शायद हार जाओ, पर शायद तुम रेड को हरा भी दो, क्या पता। क्योंकि नॉर्मल गेम्स हमने देखा भाई रेड टॉमी होते हैं ना भाई, हम टीम रॉकेट को कैसे पेलते हैं। इसके अलावा तुम्हें इस गेम में प्रोफेसर ओक, जियोवानी, जिम लीडर्स, इन सभी की बैक स्टोरीज जानने को मिलेगी। इस गेम में द ग्रेट पोकेमोन वॉर के बारे में भी रेफरेंस दिया गया है, और शायद इस गेम को खेलते खेलते तुम्हारा माइंडसेट बदल जाए। लाइक तुम सोचो कि टीम रॉकेट सही कर रही थी भाई, रेड गलत था, या फिर रेड इविल है, हो सकता है भाई। इस गेम में तुम्हें टेक्स्ट पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि भाई इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हमें देखने को मिलेगी। आई लव यू, तुम नहीं यार, इस गेम को कह रहा हूं मैं। नंबर 1, पोकेमोन अनबाउंड। भाई इस गेम का सिर्फ तुम पोस्टर देखो, पोस्टर से ही कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये गेम। मैंने तो इस गेम का पोस्टर देखा तभी मेरा मन कर रहा था जाके अब मैं इस गेम को खेलता हूँ। ये गेम लिटरली राज करता है रोम हैकिंग वर्ल्ड में। इस गेम का खुद का बोरिस नाम का एक रीजन है। इस गेम की स्टोरी और इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा क्रेजी है। लाइक सीक्रेट वेपन्स, ग्रेट पोकेमोन वॉर, इन सब के बारे में बताया है। उस वॉर के ओवर होने के बाद एक न्यू इविल टीम का जन्म होता है, जिसका नाम है टीम शैडोज, और इस टीम का मकसद है उस सीक्रेट वेपन को ढूंढना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और भाई तुम इस गेम की मेन प्रोटागोनिस्ट हो, तो तुम्हें पता है अब क्या करना है, पेलना है इविल टीम को और क्या। टू बी ऑनेस्ट, दिस गेम हैज द बेस्ट स्टोरी लाइन, और इसका आर्ट स्टाइल देखो भाई, देखकर ही मन कर रहा है खेलने का। बहुत सारे ट्विस्ट है स्टोरी में, बहुत सारे क्रेजी लोकेशन है इस गेम में। इसके साउंड ट्रैक भी काफी तगड़े हैं, इसके साउंड ट्रैक्स को मैं मेरी शादी में बजाऊंगा। भाई यार इसे तो पोकेमोन का ऑफिशियल गेम होना चाहिए था। इस गेम में जो बोलोगे वो मिलेगा, मेगा एवोल्यूशन, डायनामैक्स, ऑटो रन, अनलिमिटेड बैक स्पेस, यूनिक टपाटप मिशंस। बहुत ज्यादा लंबा गेम है ये, टपक मत जाना यार खेलते खेलते। इसमें आप अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो, और इसमें कस्टम पजल्स भी है, जो कि इस गेम को और ज्यादा कूल बनाता है। तो खेलो इस गेम को यार, अभी खेलो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना है गाइस। आपका फेवरेट रोम हैक कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं भी चलता हूँ भाई, जोर से लगे मुझे यार।